हाँ जी, आज हमारा डेफिनेशन का लास्ट लेक्चर है। तीन डेफिनेशंस को सो फार हम कंप्लीट कर चुके हैं, वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कार्सिटी डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन का एम्फेसिस आप जानते हैं किस पे था, मेनली इट वाज कंसंट्रेटेड टू वेल्थ, ठीक है, मैक्सिमाइज करना वेल्थ किसी भी नेशन का। वेलफेयर डेफिनेशन का जो टारगेट था वो किस पे था कि लाइक हाउ यू आर अर्निंग योर मनी एंड हाउ यू आर स्पेंडिंग योर मनी, राइट। स्कार्सिटी डेफिनेशन ने क्या किया, आपके इकोनॉमिक्स को एक नया टेंजेंट दिया। नया टेंजेंट कैसे, कि इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट वेल्थ एंड वेलफेयर ओनली, इट्स अबाउट ऑल द रिसोर्सेज विच आर स्केयर्स इन नेचर। वो कोई भी रिसोर्स जो कि कम है और इंसान उसे यूटिलाइज करना चाहता है अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए, राइट। ठीक है, तो वो स्केयर्सिटी डेफिनेशन। देखो तीनों जो डेफिनेशन आई, इन तीनों में कुछ 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 क्रिटिसिज्म थे। इन्हीं क्रिटिसिज्म को दूर करने के लिए क्या आया, ग्रोथ डेफिनेशन आया, ठीक है। इन्हीं क्रिटिसिज्म्स को दूर करने के लिए क्या आया, ग्रोथ डेफिनेशन आया, ठीक है। सो ग्रोथ डेफिनेशन क्या था, ग्रोथ डेफिनेशन ने इकोनॉमिक्स के टेंजेंट को थोड़ा सा टाइम फैक्टर को इंक्लूड किया। अभी तक की जो डेफिनेशन थी वो बहुत स्टैटिक थी, वो करंट सिचुएशन को एक्सप्लेन करती थी, बट जो ग्रोथ डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन ने इकोनॉमिक्स के अंदर एक नया टेंजेंट, नया डायमेंशन ऐड किया बाय एडिंग ग्रोथ। इन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स, इट्स अबाउट फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट नीड्स व्हाइल कीपिंग माइंड फ्यूचर नीड्स एज वेल। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स का काम चलता है, सिर्फ प्रेजेंट को अच्छा करके, वेल्दी बनके या रिसोर्सेज को यूज करके कुछ नहीं होगा। रिसोर्सेज का यूज इस तरीके से होना चाहिए कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी बेनिफिट मिले, इजंट इट, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द ग्रोथ डेफिनेशन। So, it was propounded by Paul Anthony Samuelson, that is Paul A. Samuelson, popularly Paul A. Samuelson कहते हैं। ये एक American economist थे, जिन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा economics is the study of how people and society choose, मतलब dimension को बढ़ा दिया, कैसे people, मतलब एक individual भी और society भी, with or without the use of money, मतलब चाहे money हो या money ना हो, जरूरी नहीं है कि economics में तुम money ही बोलते रहोगे। मनी एक डायमेंशन और एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है व्हाइल स्टडिंग इकोनॉमिक्स, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर व्हिच इकोनॉमिक्स स्टडीज, राइट। तो उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स मनी या मनी के बिना भी जो काम करता है वो स्केयर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज पे काम करता है। इट्स नॉट मनी ओनली व्हिच इज स्केयर्स इन नेचर, देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज व्हिच आर आल्सो स्केयर्स इन नेचर, लाइक वाटर, क्रूड ऑयल, जो कि हमने स्केयर्सिटी डेफिनेशन में डिस्कस किया था। ऊपर आप आई बटन को प्रेस करके बाकी सारे डेफिनेशन से जुड़े जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है इट्स नॉट अबाउट ओनली वेल्थ, इट्स अबाउट ऑल द रिसोर्सेज एज वेल व्हिच आर स्केयर्स इन नेचर, जो भी कम है इंसान उन्हीं को मैनेज करेगा ताकि उसकी वॉन्ट्स पूरी हो सके, ठीक है। व्हिच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ये आप पढ़ चुके हैं, मतलब एक तो रिसोर्स कम है और उसके यूजेस भी मल्टीपल होते हैं, लाइक वाटर एक ही यूज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक काम में नहीं आता, ठीक है, इसके साथ क्रूड ऑयल सिर्फ एक काम में नहीं आता, मिल्क सिर्फ एक काम में नहीं आता, देयर आर सेवरल यूजेस टू इट। तो यू नीड टू थिंक, यू नीड टू चूज दैट व्हाट इज द बेस्ट यूसेज अकॉर्डिंग टू यू, लाइक आपके हिसाब से सबसे बेस्ट क्या है, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम, ठीक है, जो कि अलग अलग टाइम में प्रोड्यूस करेंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना अभी की कंजम्पशन के लिए, एंड द फ्यूचर अमंग वेरियस पर्सन एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज, मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट करना इस बात को ध्यान में रख के प्रेजेंट और फ्यूचर में ग्रुप्स और सोसाइटीज में वो कैसे बढ़ जाएगा। तो मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ग्रोथ डेफिनेशन में देखनी है, पॉल ए. सैमुएलसन ने बहुत कुछ खास नहीं किया, ऊपर की जितनी भी डेफिनेशन थी उन डेफिनेशंस के सारे अच्छे पॉइंट्स को लिया और अपने डेफिनेशन में एक पॉइंट एक्स्ट्रा, दैट इज ग्रोथ, मींस फ्यूचर को इंक्लूड करके अपने डेफिनेशन को बना दिया। लेट्स हैव अ लुक ऑन द फीचर्स। ओके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, लाइक जब भी मैं बहुत सोच समझ के रिसोर्सेज यूज करूंगा, एज वी नो दैट वी आर लिविंग इन अ सिचुएशन ऑफ स्कार्सिटी, सो इन अ सिचुएशन ऑफ स्कार्सिटी व्हाट वी जनरली डू, We use resources sparingly, isn't it? बहुत ध्यान से use करेंगे, तो बहुत ध्यान से use करना ही तो क्या होता है, optimal utilization। फिर broad, broad definition कहा गया इनकी definition को, why so? क्योंकि it includes present as well as future, both,
ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन रिसोर्स एलोकेशन, ये इम्प्रूवमेंट इन रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो तुम रिसोर्सेज हो उसके बाद तुम सिर्फ एक इंडिविजुअल तक नहीं, पूरी सोसाइटी और फ्यूचर को भी इंक्लूड करके कर रहे हो, राइट। देखो इकोनॉमिक्स एनालिसिस द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ इंप्रूविंग द पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। ओके, इकोनॉमिक्स का काम क्या होता है, ये नहीं कि लकीर के फकीर की काम करते गए, हम हर बार वेरियस मेथड्स को यूज करते हैं जिससे कि हम ये देख सकें कि जो कोई भी एक रिसोर्स है, मतलब कोई भी एक प्रोजेक्ट है, कोई भी रिसोर्स है, उसको हर बार बेहतर से बेहतर कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन एंड बेटर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आर सिनोनिमस विद इकोनॉमिक्स। वो कह रहे हैं कि जो रिसोर्स एलोकेशन है, एक तो उसको यूटिलाइजेशन करना प्लस उसका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये दोनों चीजें इकोनॉमिक्स का ही एक क्रक्स है, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, द सिमनसन्स डेफिनेशन आल्सो कंसर्न्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द कंजम्पशन अमंग वेरियस पर्संस एंड ग्रुप इन सोसाइटी। मैं अगर अब तीन डेफिनेशंस की बात करता हूँ तो उन्होंने सिर्फ ये बोला कि तुम कैसे कमाते हो, कैसे खर्च करते हो, कैसे कमाते हो, कैसे खर्च करते हो, तुम रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हो, लेकिन नोबडी हैड टॉक्ड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एज वेल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लाइक एक टॉपिक है मैंने अपलोड किया है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, उसमें जरूर देखेंगे, दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। होता क्या, लाइक आप इनकम अर्न कर रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन वो इनकम इवनली सोसाइटी में होनी भी तो चाहिए सबके पास। हम जैसे किसी कंट्री की बात करते हैं जहाँ पे रिचर रिचर होते जा रहे हैं, पुअर पुअर होते जा रहे हैं, सो ऐसी इकोनॉमी में अगर इनकम आ भी जाती है तो फायदा क्या, बिकॉज द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर इनकम विल एक्रू टू ओनली फ्यू हैंड्स, सो हाउ वुड इट going to facilitate the entire nation. So in order to facilitate the entire nation, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें distribution को जो skewed distribution means unequal distribution है उसे equal distribution में convert करना पड़ेगा, तभी सबका benefit हो सकता है। So ये कुछ features थे जो Paul Samuelson ने propound किए थे, ठीक है। I hope you liked the video, ठीक है। अगर आपको video पसंद आया हो तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, सो दैट आपको इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, आपके यहाँ इस चैनल पे सिर्फ माइक्रो नहीं फ्रेंड्स, आपका माइक्रो मैक्रो स्टैटिक इकोनॉमिक्स और जो करंट इकोनॉमिक्स के अफेयर्स है सारे इस चैनल पे कवर अप किए जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।